गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर वाटर ए नेचुरल रिसोर्स। हम लोगों ने पढ़ा था पानी इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको अपने रेन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स अलग अलग जगहों से ऑब्टेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी, इतनी ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा पानी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होने के बावजूद भी, लगभग अपनी अर्थ है वहाँ पर 3/4 सरफेस है वाटर से कवर्ड है, यानी 71% है अर्थ का वाटर से कवर्ड है, लेकिन फिर भी पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। अपने को सिर्फ और सिर्फ जितना भी फ्रेश वाटर है वो सिर्फ और सिर्फ 0.01% है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर मिलता है। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ वाटर। देखो बच्चों, स्टेट्स का मतलब होता है कि तीन फिजिकल स्टेट्स होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। तो सॉलिड सरफेस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो वाटर है, वाटर तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड आइस के रूप में, लिक्विड जो तुम पानी पीते हो, और गैस यानी वाटर वेपर्स के रूप में। तो ये कह रहा है कि वाटर है, इन व्हाट स्टेट इज वाटर दैट यू ड्रिंक, कौन सी स्टेट में होता है पानी जो तुम पीते हो, लिक्विड स्टेट में। स्टेट ऑफ वाटर है जब अपने उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रीजर के अंदर रख देते हैं तो पानी की कौन सी स्टेट होती है, क्या पानी है गैस के अंदर चेंज हो जाता है, और अगर अपने स्टीम को ठंडा करते हैं तो क्या होता है। आइस, वाटर और स्टीम तीन स्टेट है सब्सटेंस की, आइस, वाटर एंड स्टीम है वो सेम सब्सटेंस की जो है फॉर्म्स हैं, यानी पानी है तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस के अंदर। जो आइस के मॉलिक्यूल्स हैं, आइस के, वाटर के और स्टीम के बिल्कुल सेम होते हैं, हर मॉलिक्यूल है उसके अंदर वाटर का फॉर्मूला आप पढ़ते हो, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर H2O, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो H2O, यानी वाटर के अंदर क्या होते हैं, दो एटम किसके होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, और वन एटम किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, वन एटम किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। चाहे अपने सॉलिड ले लें, चाहे लिक्विड ले लें, चाहे गैस ले लें, तीनों के अंदर क्या होता है, सेम होता है। तो मॉलिक्यूल्स हैं आइस, वाटर और स्टीम के, बिल्कुल सेम होते हैं, हर मॉलिक्यूल है दो एटम हाइड्रोजन और वन एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बनाता है। आइस, वाटर और स्टीम है थ्री स्टेट्स हैं जिसके अंदर वाटर है अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करता है। स्टेट है वाटर की हीटिंग या कूलिंग करने के बाद चेंज हो जाती है। जैसे सिंपल सी बात है, पानी है, पानी को आप फ्रीजर में रख देते हो तो पानी लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है। अगर पानी को अपने गर्म करते हैं तो पानी के वाटर वेपर्स यानी पानी किसमें चेंज हो जाता है, गैस के अंदर चेंज हो जाता है। अगर अपने स्टीम को ठंडा करते हैं तो पानी बन जाता है, पानी को ठंडा करते हैं तो क्या बन जाता है, सॉलिड है वो बन जाता है। तो ये कह रहा है कि वाटर है, जो वाटर की स्टेट्स है वो हीटिंग और कूलिंग करके अपने क्या कर सकते हैं, चेंज है वो कर सकते हैं। अगर अपने आइस को हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाती है, वाटर बनाती है 0°C पे, इसको अपने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोलते हैं। अगर अपने पानी को कूल करते हैं तो ये सेम टेम्परेचर पे, यानी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम होता है। अगर अपने 0°C पर अगर वाटर को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो किसके अंदर चेंज हो जाता है, आइस के अंदर चेंज हो जाता है। और अगर अपने 0°C पर आइस को हीट करते हैं तो वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। तो यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग का मतलब होता है जम पिघलना और फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना, दोनों ही क्या होते हैं, हमेशा 0°C ही होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आइस को हीट करते हैं तो ये वाटर के अंदर चेंज हो जाती है 0°C पे, इसको अपने मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर अपने पानी को ठंडा करते हैं तो ये आइस के अंदर चेंज हो जाता है सेम टेम्परेचर पर, जो कि होता है 0°C। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी वाटर का क्या होता है, 0°C ही होता है। वाटर है, वाटर वेपर के अंदर चेंज हो जाता है हर टेम्परेचर पर। देखो पानी है हर मतलब टेम्परेचर पर, क्योंकि अगर पानी है वेपर्स के अंदर चेंज होता है इवेपोरेशन से, जब अपने छोटे होते हैं तब अपने पढ़ते हैं कि सीज और ओशन का वाटर है सन की हीट पाकर इवेपोरेट हो जाता है, ये ऊपर जाकर मतलब जो वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स हैं हल्के होते हैं, ये हवा के साथ ऊपर उठते हैं, ऊपर उठते हैं तो ऊपर उठकर क्या करते हैं, ये ऊपर टेम्परेचर कम होता है अपर एटमोसफेयर में, जहाँ पर ये वाटर वेपर क्या हो जाते हैं, ठंडे होकर पानी की वाटर वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, पानी की बूंदें बना लेते हैं, ये पानी की बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं, और बादल जब बरसात भारी हो जाते हैं तो बरसात के रूप में नीचे गिरते हैं। अगर पानी है सिर्फ 100°C पे बॉइल होकर वेपर्स में चेंज होता है तो कभी भी बारिश नहीं होती, क्योंकि अपनी अर्थ का टेम्परेचर तो कभी 100°C होता ही नहीं है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब भी क्या होता है, अपनी अर्थ का टेम्परेचर मैक्सिमम 55°C
वो भी कहाँ पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेजर्ट्स एरिया होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे अपने राजस्थान के अंदर जैसलमेर थार की बात करते हैं, वहाँ पर भी 55 नहीं पहुँचता। और एक है जैसे अगर अपने बात करते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर सहारा डेजर्ट है जो सबसे बड़ा होता है, वहीं पर 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो पहुँचता है। बाकी अपने अगर अपने बात करते हैं अपने यहाँ पर, तो अपने यहाँ पर 48-50, तो कभी 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 अपने देखते हैं कि न्यूज़पेपर में आता है कि आज का टेम्परेचर 50 डिग्री है, तो 50 तो बहुत रेयर के अंदर पॉसिबल होता है। तो यानी पानी है हर टेम्परेचर के ऊपर, क्या हो जाता है क्योंकि सर्दियों में भी तो बारिश आती है, तो यानी पानी है भाप बन के उठता है, तभी तो सर्दियों में भी बारिश आती है। और सर्दियों में अपने को पता है कि टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी पहुँच जाता है। तो यानी पानी है हर टेम्परेचर पर क्या हो जाता है कि वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को अपने ईवेपोरेशन के नाम से जानते हैं। इसी कारण से अपने कपड़े हैं अगर अपने छाया में भी सुखाते हैं तो ही सूख जाते हैं। अपना रूम टेम्परेचर पे अगर मान लो अपने पंखा नहीं भी चल रहा, अपने को पसीना आया होता है, अगर अपने कमरे में बैठते हैं तो भी अपना पसीना थोड़ी देर बाद सूख जाता है। ये चेंजेस हैं फास्टर होते हैं अगर, हाउएवर द चेंज अकर फास्टर इफ द वाटर इज हीटेड। हाँ, ये होता है कि अगर पानी को अपने गर्म करते हैं तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। अब यह वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल होना शुरू होता है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस टेम्परेचर पर पानी है स्टीम के अंदर चेंज हो जाता है, अगर अपने स्टीम को ठंडा करते हैं तो ये वापस से किसमें चेंज हो जाती है, वाटर के अंदर चेंज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। नेचर के अंदर वाटर है सॉलिड स्टेट के रूप में, स्नो के रूप में, हाई माउंटेन्स पे पाया जाता है। अधिकतर वाटर है अर्थ के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर, रिवर, लेक, सीज, ओशियंस में पाया जाता है। गैसेस स्टेट के अंदर वाटर है वाटर वेपर के रूप में, एयर के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं वाटर साइकिल की, किसकी बात करते हैं, वाटर साइकिल, सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन, लैंड एंड अर्थ एटमोसफियर। ओशियन, लैंड एंड एटमोसफियर इज नोन एज वाटर साइकिल। यानी वाटर है अगर सर्कुलेट होता रहता है ओशियन, लैंड और एटमोसफियर के बीच में, तो इसको अपने वाटर साइकिल बोलते हैं। अभी अपने बताती हूँ आपको क्या होता है। अगर कुछ चेंजेस होते हैं, वैन सम चेंजेस अकर्स ओवर एंड ओवर अगेन, देन इट इज सेट टू बी ए फॉर्म ए साइकिल ऑफ चेंज। अगर मान लो कोई चेंजेस है लगातार लगातार ओवर एंड ओवर लगातार होते रहते हैं, तो अपने क्या कहते हैं कि ये साइकिल का चेंज ऑफ साइकिल, साइकिल ऑफ चेंज, यानी टू फॉर्म ए साइकिल ऑफ चेंज। वाटर है लगातार अर्थ से एयर के अंदर मूव करता रहता है और वापस से अर्थ के ऊपर बरसात के रूप में आता रहता है। ये जो कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन है वाटर का नेचर के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। वाटर है सीज, रिवर, लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स का इवेपोरेट होता रहता है सन की हीट के कारण से। इसके अलावा प्लांट की जो लीव्स है उसके अंदर से ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के द्वारा, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, सिक्स में पढ़ा हुआ है कि प्लांट की लीव से हमेशा, क्योंकि देखो जो रूट्स हैं वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, वो पानी है वो स्टीम वाटर लीव्स तक भेजती हैं, क्योंकि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन लीव्स है सारा पानी है यूज नहीं करती, कुछ पानी क्या रह जाता है, जो अनयूज रह जाता है वो लीव से वेपर्स के रूप में बाहर निकलता रहता है। इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो सीज, ओशियन, रिवर्स का पानी है इवेपोरेट होता रहता है सन की हीट के कारण से। इसके अलावा प्लांट्स की लीव्स है उससे कुछ पानी निकलता रहता है। वाटर वेपर हवा के अंदर ऊपर उठते रहते हैं, क्योंकि वाटर वेपर सल्के होते हैं तो ये एयर के साथ ऊपर उठते हैं। हायर अप एटमोसफियर के अंदर ठंडा होता है, ठंड होती है, जिसके कारण से वाटर वेपर ठंडे हो जाते हैं और कंडेंस होकर, ठंडे होकर छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। ये जो ड्रॉप्स हैं वाटर की आपस में जुड़ती है, यूनाइट टुगेदर जुड़ती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं। और जैसे जैसे क्लाउड्स हैं ठंडे होते जाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा वाटर ड्रॉप्स हैं वो आपस में जुड़ती रहती हैं और ये कैसे बनाते रहते हैं, भारी बादल होते रहते हैं। जब ये बादल बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो ये सरफेस, अर्थ की सरफेस पे रेन के रूप में नीचे गिर जाते हैं। और अगर ठंडा मौसम होता है तो कई बार क्या होता है कि बरसात पानी है धरती के ऊपर हेल के रूप में, स्नो के रूप में, या मतलब बर्फ, जैसे कई बार अपने कहते हैं ना ओले पड़ गए, हेल है ओले पड़ गए। जो स्नो का मतलब होता है, जैसे अपने कहीं पर
जैसे अपने देखते हैं कई बार शिमला वगैरह का सीन दिखा रहे होते हैं, वहां पर स्नो फॉलिंग दिखाते हैं, तो वहां पर जैसे रुई गिरती रहती है ना, रुई बिल्कुल हल्की सी होती है, तो वहां पर बर्फ मतलब जो बर्फ है हल्की 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 स्नो के रूप में गिरती रहती है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, स्नो के नाम से जानते हैं। रेन वाटर है, हर जगह पर गिरती है। रेन जो गिरती है फॉर लैंड के ऊपर गिरती है। ड्रेन इंटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, वो रिवर्स और स्ट्रीम्स में चली जाती है। वो सॉइल के अंदर सिप हो जाती है जिसके कारण से अंडरग्राउंड वाटर के रूप में इकट्ठी हो जाती है। अगर वो हाई माउंटेन्स पे गिरती है तो वो फ्रोजन जम जाती है, और समर्स के अंदर जब ये बर्फ जो हाई माउंटेन्स पे जमती है वो गर्मी के दिनों में हल्की सी गर्मी पाकर पिघल जाती है और रिवर्स के अंदर पानी के रूप में आती है। यही पानी दोबारा से इवेपोरेट होता है, फिर से वापस बरसात आती है। इस तरह से ये साइकिल है वो चलता रहता है। यहाँ पर पानी का सर्कुलेशन होता है ओशियन लैंड और एटमॉस्फेयर के बीच में, इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर की। अगर अपने एक डीप होल खोलते हैं, डीप होल ग्राउंड के अंदर करते हैं, तो अपने देखते हैं कि सॉइल है नीचे से कैसी होती है, मॉइस्ट हल्की सी नमी वाली होती है। इससे ये शो होता है कि अर्थ के अंदर वाटर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के नीचे क्या होता है, पानी है वो प्रेजेंट है। अगर अपने इसको और ज़्यादा खोदते जाते हैं तो अपने देखते हैं कि एक ऐसे लेवल पे पहुँचते हैं जहाँ पर सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है, या सॉइल पार्टिकल्स होते हैं या जो रॉक्स के बीच में गैप होता है, वहाँ पर क्या होता है कि वाटर प्रेजेंट होता है। जैसे अपने अपने घरों में जेट पंप लगवाते हैं या मुच्छी मुच्छी मोटर लगवाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो ज़मीन ही तो खोदते हैं, तो ज़मीन के नीचे क्या मिलता है, पानी वो मिलता है। तो यानी ये कह रहा है कि अगर अपने डीपर और डीपर अर्थ को खोदते जाते हैं तो अपने एक ऐसे लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पर सारा का सारा स्पेस है जो सॉइल पार्टिकल्स और गैप्स है रॉक्स और के बीच में, वहाँ पर वाटर से फिल होता है। इस लेवल को अपने क्या बोलते हैं, वाटर टेबल के नाम से जानते हैं। वाटर टेबल हर जगह पर अलग अलग होती है। कुछ जगहों पर तो ये इतनी ज़्यादा होती है, अपने एक मीटर भी गड्ढा नहीं खोदते तभी क्या आ जाता है, पानी है वो बाहर निकल जाता है। कुछ जगहों पर ऐसा होता है जहाँ पर अपने को 100 मीटर से भी ज़्यादा खोदना पड़ता है तब पानी निकलता है। वाटर है वाटर टेबल के नीचे जो पाया जाता है, देखो जो सबसे अपर, जैसे अपनी ये टेबल है, टेबल स्टार्ट तो नीचे से होगी लेकिन जो ऊपर वाला जहाँ पर वाटर है उसको वाटर टेबल बोलते हैं, और जो नीचे वाटर टेबल के नीचे जो पानी प्रेजेंट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल, यानी वो वाटर जो वाटर टेबल के नीचे पाया जाता है उसको वाटर टेबल बोलते हैं। लेयर है रॉक की और सॉइल की जहाँ पर ग्राउंड वाटर कलेक्ट होता है, यानी जो रॉक की और सॉइल की लेयर जहाँ पर ग्राउंड वाटर कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है, इसको अपने क्या बोलते हैं, एक्वीफर के नाम से जानते हैं। फिर है इनफिल्ट्रेशन वर्ड, देखो अभी आप क्या है, वाटर टेबल यानी जो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में या रॉक्स के बीच में जगह है जहाँ पर वाटर फिल होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, अपर लेवल को वाटर टेबल बोलते हैं। वाटर टेबल के नीचे का जो पानी होता है उसको अपने ग्राउंड वाटर बोलते हैं। जो लेयर है रॉक और सॉइल की जहाँ पर ग्राउंड वाटर कलेक्ट होता है उसको अपने एक्वीफर बोलते हैं। जब रेन वाटर फॉल होती है, गिरती है, कुछ पानी है सिप होकर सॉइल के नीचे चला जाता है, इस प्रोसेस को अपने इनफिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। इट एड्स अप और रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर, इनफिल्ट्रेशन के कारण से ही जो ग्राउंड वाटर पे तो यूज़ कर ही रहे हैं, अपने कुएं खोदते हैं, जेट पंप होते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर जितना भी पानी है, जैसे ट्यूबवेल है खेतों के अंदर, तो पानी जमीन से निकलता रहता है, तो ये पानी को रिप्लेनिश करने का काम कौन करता है, इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस करता है। जैसे जैसे ग्राउंड वाटर है सॉइल के अंदर से पास होता है, ये सॉइल के नीचे मतलब नीचे अलग अलग लेयर्स होती हैं सैंड और रॉक्स की, जिसके अंदर पानी क्या होता रहता है, फिल्टर होता रहता है। इसके कारण से ऑलमोस्ट फ्री ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, यानी पानी है फिल्टर होके नीचे पहुंचता रहता है, इसलिए क्या होता है, इम्प्योरिटीज से बिल्कुल फ्री होता है। इसके बारे में अपने कल बात करेंगे। और इसके अंदर हालांकि डिजॉल्व साल्ट प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर जर्म्स भी होते हैं। ग्राउंड वाटर है, द ग्राउंड वाटर मे रन अलोंग द सरफेस ऑफ द नॉन पोरस रॉक एंड कम आउट ऑफ द सरफेस एट सम प्लेसेस टू फॉर्म ए नेचुरल स्प्रिंग। ये कह रहा है कि ग्राउंड वाटर है जब सरफेस के अंदर नीचे जाता है तो नीचे सरफेस के नीचे क्या होती है, नॉन पोरस रॉक्स, पोरस का मतलब होता है छेद वाले, यानी वहाँ पर रॉक्स के अंदर छेद नहीं होते तो पानी नीचे जाता नहीं है, क्योंकि पानी छेद नहीं है, तो इसलिए पानी क्या हो जाता है, वापिस से कुछ जगहों पर सरफेस के ऊपर आ जाता है, जिसके कारण से नेचुरल स्प्रिंग यानी पानी के नेचुरल झरने बनते हैं। इसके अलावा अपने कुएँ खोदते हैं, ट्यूबवेल खोदते हैं, तो उससे भी अपने ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं। डीप ग्राउंड वाटर है वही क्या होता है, यूजुअली ड्रिंकिंग के लिए सेफ होता है।
नेक्स्ट अपने कल वाली वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।